आज के समय में शहरी क्षेत्र में जो प्ले स्कूल का कॉन्सेप्ट है उसी तर्ज पर महिला बाल विकास विभाग द्वारा पायलट प्रोजेक्ट योजना के तहत छोटे बच्चों के लिए शैक्षणिक व्यवस्था की है। भाजपा विधायक आशीष शर्मा ने महिला बाल विकास विभाग द्वारा खातेगांव ब्लॉक के कृष्णनगर में बाल शिक्षा केंद्र के लोकार्पण अवसर पर कहा कि निश्चित ही मैं इसे एक अच्छी पहल मानता हूं। ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के कॉन्सेप्ट का अभाव था। एक ब्लॉक में एक केंद्र खोला गया है, यदि इसका संचालन ठीक से होता है तो आने वाले समय में हम सरकार से मांग करेंगे कि इस तरह के स्कूल जगह जगह पर पंचायत स्तर पर खोले जाएं। मैं विभाग को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, यह बात कही। बच्चों को ड्रेस, लंच बॉक्स, पानी की बोतल, बैग केंद्र में दर्ज बच्चों को निःशुल्क दी जाएगी। पूरे प्रदेश में महिला बाल विकास विभाग के तहत 313 ब्लॉक के तहत प्रत्येक ब्लॉक में एक आंगनवाड़ी केंद्र को पायलट प्रोजेक्ट योजना के तहत बाल शिक्षा केंद्र का दर्जा दिया गया है। इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष गुलाब भाई टाडा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मोहन विलोदा, परियोजना अधिकारी रामेश्वर प्रवेश तिवारी, सरपंच भगवती बाई सहित आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक, कार्यकर्ता एवं ग्रामीण जन मौजूद थे। महिला बाल विकास के द्वारा एक मिनी आंगनवाड़ी का लोकार्पण और ब्लॉक में यह पहली बता जा रही है, इससे क्या संदेश है? आज महिला बाल विकास विभाग के द्वारा बाल शिक्षा केंद्र भवन का लोकार्पण यहाँ पर कृष्णनगर में किया गया है। निश्चित ही आज के समय में जो शहरी क्षेत्रों में प्ले स्कूल का कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को महिला बाल विकास विभाग ने अपनाया है। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे बच्ची इन स्कूलों में आएंगे, यहाँ पर उनको नए नए खेल सिखाए जाएंगे। खेलते खेलते कैसे अक्षर ज्ञान सिखाया जा सकता है, ये यहाँ पर संभव हो सकेगा। बच्चों को भूख लगेगी, खिलाने की व्यवस्था है, नाश्ता भोजन, साथ ही साथ यदि वो थक जाएंगे तो उनके सोने की व्यवस्था भी इन स्कूलों में की गई है। निश्चित ही मैं इसे एक अच्छी पहल मानता हूँ, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के कॉन्सेप्ट का अभाव था। विभाग ने इस नवाचार को यहाँ पर अपनाया है, एक ब्लॉक में एक स्कूल खोला गया है। अगर इनका संचालन ठीक से होता है तो आने वाले समय में सरकार से हम मांग करेंगे कि और इस तरह के स्कूल और इस तरह की शालाएं जगह जगह पर हर पंचायत स्तर पर खोली जाएं। मैं विभाग को अपनी ओर से इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेंटर यहाँ खातेगांव परियोजना में एक सेंटर ही है कृष्णनगर, जिसको डेवलप किया गया है बाल शिक्षा केंद्र, जिसका लोकार्पण समारोह आज था और माननीय क्षेत्रीय विधायक जी के द्वारा इसमें लोकार्पण किया गया। क्या सुविधा मिलेगी बच्चों को केंद्र में? इसमें जो आने वाले बच्चे प्ले स्कूल के रूप में एक्चुअल विकसित किया जा रहा है इसको, और पूरे मध्य प्रदेश में 313 ब्लॉक में हर ब्लॉक में एक केंद्र को बाल शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया गया है, जहां बच्चों को यूनिफॉर्म से लेकर बैग और जो भी पाठ्यक्रम है सारी चीज़ें शासन की तरफ से प्रदान की जाएंगी। और ये जो इंग्लिश प्ले स्कूल होते हैं उसकी तर्ज पे है, ताकि बच्चे अक्षर पहचान सकें, कोई भी फोटो देख करके जो है अपना मानस बना सकें कि क्या है, चित्र देख करके पहचान सकें, ताकि वो स्कूल जाने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो। हमने देखा है बच्चों को अगर थकान के हिसाब से एक बेड भी लगाया है, मतलब पलंग की व्यवस्था भी, तो ऐसा कुछ भी है? हाँ, ऐसी भी व्यवस्था है कि अगर बच्चा खेलते खेलते थक जाता है तो उसके लिए भी व्यवस्था है कि वो आराम कर सके, और उसके लिए अलग कॉर्नर बनाया गया है केंद्र के अंदर। ठीक। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।